And like I said, these plants, they just love it. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करना चाहते हैं वो है एरिका पाम। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आप देखेंगे मैंने इसको अपनी बालकनी में ऐसे कम से कम 3-4 पौधे रखे हुए हैं एरिका पाम के। तो ये ओवरऑल ब्यूटी को ऐड करते हैं आपके गार्डन की। और अगर आप इसको इंडोर रखेंगे तो ये इट्स ऑल्सो एन एयर प्योरीफायर प्लांट और ये अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और ओवरऑल एटमॉस्फेयर को घर के अंदर अच्छा रखता है। अब यहाँ हम दिल्ली में हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है और खूब सारी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हाट एरिका पाम्स रियली लव इज़ अ क्विक शॉवर। तो मैं हर 15-20 दिन में कोशिश करता हूँ कि इनको एक अच्छा शावर, एक अच्छा स्नान देता हूँ। तो आज एक क्विक वीडियो देखेंगे इसके ऊपर भी, एरिका पाम हाउ डू दे फील आफ्टर गेटिंग अ शावर। तो हम अपने तीनों एरिका पाम्स को बाथरूम में ले आए हैं और आज बारी है इनकी एक क्विक शावर की। तो आप देखेंगे इनकी पत्तियों के ऊपर काफ़ी मिट्टी सी जमी हुई है और एरिका पाम को शावर बहुत पसंद होता है, ख़ास तौर से गर्मियों के दिन में। टेम्परेचर आजकल यहाँ 35-40 डिग्री होना शुरू हो गया है और जैसे मैंने कहा, हर 15-20 दिन में कोशिश करता हूँ कि एरिका पाम्स को एक अच्छा शावर दिया करूँ। तो एक क्विक हैंड शावर से हम अपने एरिका पाम्स को नहलाना शुरू करते हैं। तो इनकी जितनी भी मिट्टी होती है ऊपर से, सबसे पहले तो मैं उसको उतारता हूँ एंड मैं नीचे इमीडिएटली उनको पानी नहीं देता। सॉइल को कोशिश करता हूँ कि पहले ऊपर जितना इनकी मिट्टी उतर जाए उसको पहले उतार देता हूँ। और एक काफ़ी सेटिस्फाइंग प्रोसीजर है, जैसे आप डेली नहाते हैं उसी तरह पौधों को भी कभी कभार नहलवाना चाहिए। और एरिका पाम के साथ ही काफ़ी सही चलता है दैट गर्मियों में अगर आप हर 15-20 दिन में उनको एक बारी एक अच्छा शावर देंगे ऐसे, तो उनकी जो हेल्थ है और ओवरऑल लीव्स का कलर और टेक्सचर है वो काफ़ी सही बना रहता है। और दूसरी चीज़, जब मैं शावर देता हूँ तो ये इंश्योर करता हूँ कि इनकी सॉइल में जो पानी है वो पानी जाता रहे और एंड आई लेट इट काइंड ऑफ स्पिल ऑल्सो, ताकि पानी अगर बाहर भी निकल जाए, पूरा गमला एक बारी भर भी जाए, तब भी मैं उसको एक तरह अच्छी तरह ड्रेंच कर देता हूँ। तो हमारा मिडिल वाला तो ड्रेंच हो गया, ये वाला हमारा काफ़ी पुराना एरिका पाम है, कम से कम 5-6 साल पुराना है। सेम इसको भी हमने सॉइल में से, आप देखेंगे तो मैंने पूरी मिट्टी को बाहर आने दे रहा हूँ थोड़ा सा एंड आई जस्ट कम्प्लीटली ड्रेंच देम। ये आप सर्दियों में मत ट्राई कीजिएगा क्योंकि सर्दियों में जब वैसे ही मौसम ठंडा होता है और वैसे भी सब प्लांट्स ऑलमोस्ट अपनी डोमेंट स्टेट में होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। तो ये सिर्फ गर्मियों के लिए एक सजेशन है दैट वाटरिंग योर एरिका पाम्स रियली हेल्प्स। तो काफ़ी हेल्प करता है ये, आपकी ऊपर की मिट्टी भी निकल जाती है प्लस प्लांट का एकदम अंदर तक रूट्स तक पानी वगैरह चले जाता है। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरह से हमने इसको ऊपर से भी और नीचे से भी कर दिया ब्रांच। अब मैं इन्हीं को आई लीव देम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ताकि इनका जो पानी है वो पानी ड्रेन आउट हो जाए और थोड़े सूख जाएं। अगर आप चाहते हैं कि पौधों में कोई ऐसी मिट्टी लगी हुई है जो वॉश करने पे भी नहीं निकल रही है, तो आप हल्के से कपड़े के साथ इनको वाइप भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर प्रेशर के साथ आप पानी डालते हैं तो ये मिट्टी वगैरह निकल जाती है। लाइक आई सेड, दीज प्लांट्स दे जस्ट लव इट।
तो आप देखेंगे हमारा पानी ऑलमोस्ट ड्राई आउट कर गया है पौधों में से, और अब इनको हम बाहर इनकी जगह पे मूव कर देंगे। तो दोस्तों हमारे एरिका पाम एकदम नहा धोकर तैयार हैं, एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग एंड हैप्पी बेबीज राइट नाउ। तो एरिका प्लांट की जहाँ तक उसकी बात करें कि इनको क्या क्या फर्टिलाइज़र देना होता है, तो ये बहुत बड़े हैवी फीडर्स नहीं होते। इनको नॉर्मली आप अगर एक या दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देंगे तो दे विल जस्ट लव इट, और उसके ज़्यादा इनकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे ये जो इनकी स्टेम्स नीचे से ये जैसे एक है, सो ये अभी गल सी रही है, सो आई विल जस्ट टेक इट ऑफ। आप सीजर का यूज़ भी कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट पुल इट बाय हैंड, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और जितने भी आपके अगर कुछ पत्ते गल रहे हैं तो उनको भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली इन पे जब फंगस अटैक होता है तो इनके पत्ते ऐसे नॉर्मली कुछ तो सन बर्न आउट होता है, बट नॉर्मली नीचे से अगर आप देखेंगे तो वो रूट्स आपको थोड़ी गली हुई पीली सी लगेंगी, और बेस्ट उसका तरीका यही होता है कि आप उनको निकाल दें। और ये नई ग्रोथ भी प्रोपोगेट करता है, और इस तरह से आपका एरिका पाम एकदम सही रहता है। तो जैसे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट में हल्का सा वर्मी कंपोस्ट हमने बोला, क्योंकि इनको नाइट्रोजन बेसिकली चाहिए होता है अपने इस हरे रंग को मेंटेन करने के लिए। फॉस्फोरस या पोटाश की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप हल्का सा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो वो चलेगा। और एक चीज़ कुछ लोग ये भी करते हैं कि रॉक सॉल्ट आधी चम्मच पानी में मिक्स करके इसको देते हैं, और वो भी 2-3 महीने में एक बार ही। आई हैवेंट पर्सनली ट्राइड इट, बट दैट्स वॉट पीपल डू। सो होप यू लाइक दिस क्विक वीडियो ऑन एरिका पाम्स, और दे लव इट वंस यू शॉवर देम इन समर्स। तो इस तरह से उनको महीने में एक दो बारी आप अगर इस तरह के हैवी शॉवर्स दे पाएँ एंड जस्ट ड्रेंच देम इन वाटर, दे विल जस्ट लव इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आर चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी गाइज, एंड स्टे ब्लेस्ड। विल सी यू इन सम अदर वीडियो सून। टेक केयर, बाय।